पाकिस्तान बना था तो 2% कैसे रह गए? कुछ कुछ लोग, मैं भी लोगों से सवाल करता था पाकिस्तान में रहते हुए भी, तो अक्सर लोग कहते थे कि माइग्रेशन बाद में भी होती रही, जैसे ही पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान बना था, तो माइग्रेशन उस वक्त तो एक बड़े पैमाने पे हुई थी, तो उसके बाद ये 23% से 2% कैसे हो गए अक्सर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हिंदू गर्ल्स ऑफ सिंध, फेलियर ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके आवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमरीका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी। और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसे इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%, और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बड़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या है कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट्स शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है, और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रिज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में ट्रेडी थी, आई वापस माइटन में आई, माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैक मेल करी खड़े भी आई केयर खड़ी हो तो गई बाल बम्बरो खड़े भी होते उते मुझे कोर्ट में खड़ी हो मुझे चे तो मुसलमान थी नेका मुसा कर ने तो के गोली हने मारी चंदा से तो पांच खुशी सा तो दिल कबूल गयो मु खुशी सा कौन कहे जोरी मुझे धमके गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी मुझे मुझे मजहब कौन छंद तेरे मुझे धमकी मजहब मुसलमान थी मुसलमान तेरे नेका। इस साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशाही नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक दो तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है आपसे बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया
और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली ये कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है, कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये दो तरीका एक आ रहे हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के। और जो हैरान कुन स्टैट है जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोट करने लगा हूं, वो ये है कि एक साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 वुमेन एवरी सिंगल ईयर आर बींग कन्वर्टेड इन ब्रॉड डे लाइट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच येल्स टू द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी कि इस्लामोफोबिया को बंद करो, और अपने मुल्क में ये हो रहा। तो 1000 खवातीन एक साल में फोर्सेबली कन्वर्ट होती हैं, और उनकी उम्रों के हवाले से ये लिखा हुआ है इन रिपोर्ट्स में कि वो 13 से 14 साल के दरमियान होती हैं। अक्सर चाइल्ड मैरिजेस की जाती हैं, एक तो डबल वायलेशन, एक चाइल्ड मैरिज की, दूसरी फोर्सेबल कन्वर्जन की। और कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई स्टेट बचाने आती है और ना सिविल सोसाइटी बोलती है, और लोग ये कहते हैं कि हमने इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये जना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेज में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से, ये जना का पाकिस्तान है? या ये कौन सा इस्लाम है जो इस तरह का जबर सिखाता है आपको? आप जबरी तौर पर अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की या नुकसान कर रहे हैं? क्या इमेज दुनिया भर को जा रहा है कि ये किस नौयत का इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें किसी के पास ये आजादी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब कर सके? या स्टेट ऑफ मदीना के बड़े लेक्चर हमारे सियासतदान हमें देते हैं, वहां पर तो मदीना चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है मदीना की वो भी उम्मत का हिस्सा है और उसको रियासत प्रोटेक्ट करेगी। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस नौयत का इस्लाम है या ये कल्चर है या कस्टमरी लॉ है, ये किस किस्म का बैकवर्डनेस है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ब्लड बॉयल्स ऑन दिस कि किस कदर वल्नरेबल खवातीन और बच्चियां हैं वो, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, जो रेप की जा रही हैं, जिनको लिंच कर दिया जाता है, जिनकी फैमिली को असैसिनेट कर देते हैं और कोई बोलता नहीं है। ये 1000 खवातीन दे आर जस्ट डिसअपीयरिंग इनटू थिन एयर एवरी सिंगल ईयर। कोई सोचता भी नहीं है कि ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन है। ना मीडिया में डिबेट होती है, सिर्फ वो सुपरफिशियल बकवास डिबेट सुनते हैं आप सियासतदानों वाली कि आज कोर्ट में पेशी हो गई, इलेक्शन कब होगा, क्या नहीं। अवाम के राइट्स कहां गए, ये किसी को होश नहीं। जिसके लिए रियासत खड़ी की थी आपने वो मारे जा रहे हैं, उनके अलावा तमाम कवरेज जो है वो दूसरी तरफ चल रही है अशराफिया की। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है जहां 100% एक किस्म की सोच होती है, जहां डायवर्सिटी की कोई इज्जत होती ही नहीं है, जहां किसी भी अपने से मुख्तलिफ फेथ वाले, सोच वाले इंसान को, एथनिसिटी वाले इंसान को असैसिनेट कर दो या अपने जैसा बना दो, सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं। और इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी फेवर में कि नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब किया और अपना फेथ तब्दील किया है, तो भाई मर्द किधर हैं? ये कौन सी दावत है जो सिर्फ अंडर एज खवातीन को मिल रही है लेकिन मर्दों को नहीं मिल रही? मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना सिंध के अंदर, कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0, nobody is there at all almost। इस हवाले से कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अगर तो आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो वॉलंटरली आ रही हैं इस तरफ, तो उनके मर्दों को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा कि उनका फेथ गलत है, कोई और ठीक है? मुझे अगर मालूम है कि मैं सच के साथ, हक के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं कोई मेरी बात मानता या नहीं मानता, मुझे कोई परवाह नहीं मैं किसी को जाकर फोर्स करूं या ना करूं। ये तो कमजोर का काम होता है। जो ताकतवर है, जिसको पता है मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं और मेरा फेथ ठीक है, वो क्यों किसी को फोर्स करेगा जाके? कोई जवाब नहीं है इसका। इसमें बड़े बड़े रैकेट्स और गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सियासतदानों के साथ जुड़े रहते हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी सेकुलर अपने आप को पोर्ट्रे करेगी, वो भी इस वल्नरेबल तरीन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मिस्टर आसिफ अली जरदारी, दिस ओनस फॉल्स ऑन योर शोल्डर्स। यू क्लेम टू बी अ सेकुलर पार्टी, लेकिन आपके अपने सूबे के अंदर जहां पर दहाइयों से आपकी हुकूमत है, एक 2% की माइनॉरिटी को आप बचा नहीं पा रहे।
यू शुड इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम योर ऑफिसेस। उसकी वजह यह है कि आपको नजर भी आ रहा है कि दिन दहाड़े आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है और आपने इसको बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया और इस पर कुछ करने को आप तैयार नहीं है। कोई एक लेजिस्लेशन आप पास नहीं कर सके। अब जरा हल की तरफ आते हैं, क्योंकि हर इंसान मुझ पे अटैक करता है कि यार प्रॉब्लम बता दी, हल क्या है, क्योंकि लेजिस्लेटर भी वो समझते हैं, कानून साजी भी मैंने करनी है। तो जरा हल ये था कि आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते, वहां से कानून साजी करते और इस कम्युनिटी को बचाने के लिए मेजर्स लेते, लेकिन वो क्यों नहीं हो सकती, जरा ये सुन लीजिए। 2020 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें जबरी मजहब की तब्दीली पर 10 साल की सजा जो है वो एडवाइस की जाती है। लेकिन ये बिल हमेशा की तरह स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स जो सेनेट की थी JUI के अंडर, जो कि आज PDM की सरबराई कर रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ने वाली पार्टी ने इस बिल को स्टॉप किया और ये लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, सेनेट से छोड़ के बाहर चले गए वो एहतजाजन, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आप कन्विंस नहीं कर पाए इस पे मौलाना को। जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, मौलाना को अपना दरीना साथी मानते हैं, अपना लॉयल फ्रेंड मानते हैं, लेकिन इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके उनको, क्योंकि करना नहीं था इसलिए। जी जनाब। अच्छा, मैं ने इस बारे में काफ़ी बात सुनी थी, काफ़ी वीडियोस में हमारे कमेंट्स भी आते रहते थे कि 23% माइनॉरिटीज़ थे जब पाकिस्तान बना था, तो 2% कैसे रह गए। कुछ लोग, मैं भी लोगों से सवाल करता था पाकिस्तान में रहते हुए भी, तो अक्सर लोग कहते थे कि माइग्रेशन बाद में भी होती रही, जैसे ही पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान बना था, तो माइग्रेशन उस वक्त तो एक बड़े पैमाने पर हुई थी, तो उसके बाद ये 23% से 2% कैसे हो गए। अक्सर जब से हम लोग रिएक्शन चैनल कर रहे हैं तब से ये जुमला सुनता रहता हूँ, तो मैं भी लोगों से जिक्र करता था, तो लोग कहते थे कि देखें 1947 के बाद भी माइग्रेशन होती रही और आज तक हो रही है। 71 की वॉर में भी बहुत सारे, जैसे 23% थे तो अच्छे खासे बांग्लादेश में रहते थे, तो जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसका भी फ़र्क है कि इस वजह से 2% रह गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है कि ऐसा भी हो, लेकिन ये कि आज जो मैंने वीडियोस देखी और बाकायदा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वीडियो देखी कि हर साल 1000 ख़वातीन बल्कि बच्चियों को ज़बरदस्ती, मतलब इससे ज़्यादा खौफनाक बात, इससे ज़्यादा गलत बात, इससे ज़्यादा घटिया बात कोई भी नहीं हो सकती। इसमें कोई भी शक नहीं, कि हमारे मुल्क में जिसके पास पैसा है, जो सियासत में है या सियासतदान है, वो ताकतवर है। यहाँ पे गरीब मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, यहाँ पे गरीब गरीब है, गरीब के साथ जुल्म होता है। बाकायदा मैंने यहाँ तक सुना है कि इन्होंने अपनी जेलें बनाई हुई हैं, अपनी अदालतें लगाई हुई हैं, बाकायदा किसी भी हारी को, किसी भी किसान को वहाँ के वडेरे जो हैं वो कैद कर लेते हैं, कैद करने के बाद अपनी जेलें बनाई हुई हैं, उसमें सजा देते हैं वो बाकायदा। कई वीडियोज़ अब तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, तो अक्सर लोग वहीं पर कोई नौकर चाकर होते होंगे तो उन वडेरों की मार कुटाई की वीडियोज़ तक भी सामने आती हैं। बाकी ये कि जब किसी पे भी वो जुल्म कर रहे हैं तो एक माइनॉरिटी, एक हिंदू कम्युनिटी जो तादाद में सिंध में कम है, सिंध में इंटीरियर की तरफ काफ़ी हैं, लेकिन वो टोटल पाकिस्तान में 2% है, तो उन्हें कमज़ोर समझ के, तो उनके साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि मज़ीद जुल्म होता होगा, जिस तरीके से किसी मुस्लिम के साथ जागीदाराना और वडेरा सिस्टम जो है या पॉलिटिशन जो है उनके जो साथी हैं वो इस तरह से लोगों पे जुल्म करते हैं, तो इस कम्युनिटी के साथ कितना जुल्म करते होंगे ये तसव्वुर किया जा सकता है, ये एहसास किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब वो किसी को भी नहीं छोड़ते तो एक कमज़ोर जो लोग हैं जिनकी आबादी ही कम है, जो वैसे ही डर के रह रहे हैं कि हम एक मुस्लिम देश में हैं, हमसे कोई गलती ना हो जाए। और फिर कितनी खूबसूरत बात कितनी कि यार सिर्फ ख़वातीन क्यों, अगर आप मुस्लिम हो रहे हैं, लोग वहाँ मुसलमानों का अखलाक देख के, मुसलमानों का जज्बा देख के, मुसलमानों के अच्छे काम देख के, जबकि ऐसा है नहीं, हम एज ए मुस्लिम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, कहीं पर भी हमारे हरकतें, हमारे काम जो हैं मुसलमानों वाले नहीं हैं। और आज कई सालों से कई चीज़ें इलीगल पाकिस्तान में होती रही हैं, होती रहेंगी,
लेकिन आज जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से कुछ चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तो उसमें से एक मुद्दा ये भी है। लेकिन मैं कहूँगा बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत दुख की बात है, जब इस तरह से चीज़ें दुनिया तक जाएंगी मुसलमानों की, तो कहाँ से इस्लाम या कहाँ से पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त करेगा? कहाँ से मुसलमान, कोई शख्स अगर मुसलमान होना भी चाह रहा होगा कि नहीं यार ठीक है यार मुसलमान अच्छे होते हैं, मुसलमान मुस्लिम मज़हब इस्लाम मज़हब बहुत अच्छा है, ये है वो है, जब इस तरह की बातें होंगी तो मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों के नाम पर ये धब्बा है, मतलब ये कौन लोग हैं यार, इन्हें मतलब है कि इन्हें ये तो इसका मतलब है सीधा सीधा जुल्म है। अगर एक लड़की, ये तो अय्याशी है, सीधी सीधी अय्याशी है कि अगर एक लड़की है जवान हुई है 13-14 साल की, बच्ची है यार, बच्ची है, आप उसको हासिल करना चाह रहे हो, उसको मुसलमान करना चाह रहे हो, उसको ज़बरदस्ती उसके घर वालों को कैद कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा जुल्म है। जिस कंट्री में, जिस इलाके में जब इस तरह का जुल्म होगा तो क्या वहाँ पे लोगों पर अज़ाब नहीं आएगा? पिछले साल आपको याद होगा किस तरीके से बाढ़ आई थी, कितना बुरा हाल हुआ था सिंध में, तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया था पानी में, हर और पाकिस्तान पे क्राइसिस एक अलग आए हुए हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी का बुरा हाल है, हर शख्स महंगाई से दो चार है। जब एक शख्स पे भी अगर जुल्म हो और उसकी आवाज़ अगर ऊपर तक चली गई, तो मैं कहता हूँ वो पूरी कौम बर्बाद हो जाती है, वो पूरी कौम पर उसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी ने बचाया नहीं, क्योंकि उसकी किसी ने मदद नहीं की। अगर हम इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं और वाकई लोग खामोश हैं, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत जुल्म की बात है, और इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ना है, इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ रहा है। आज हमारे ऊपर अज़ाब है, तो आज इसी वजह से अज़ाब है कि हम किसी मज़लूम का, किसी कमज़ोर का साथ नहीं दे रहे। आने वाला वक्त इसका मतलब है मज़ीद बुरा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि हमने कमज़ोर के ऊपर जुल्म किया है। कमज़ोर पे जुल्म करना है तो आप एक और ताकत है जो ये सब देखती है, और जब आपके आसपास कोई भी ना हो आपका साथ देने वाला, जब आप मज़लूम हैं, कमज़ोर हैं, आपके आसपास कोई भी नहीं है आपका साथ देने वाला, तो एक ज़ात है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिर पकड़ती है वो ज़ात। अब भी पाकिस्तानी कौम ना समझे तो मैं कब समझेंगे, क्योंकि इतने जुल्म या इतनी परेशानियाँ या इतनी टेंशन है एक कंट्री के ऊपर मुसलसल, तो अब तो इस कंट्री के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर हमसे क्या ऐसा गुनाह हो गया या हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इस कंट्री की ये हालत हो गई है। बहुत 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 अफसोसनाक, बहुत दुख हुआ, सुनता था, आइडिया नहीं था कि वाकई किस हद तक ये बात सच है। इस वीडियो से बहुत कुछ हकीकत सामने आई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।